फूड टेक्नोलॉजी के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलने वाला है। आप देखिए क्या क्या पॉइंट्स में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ये सारे पॉइंट्स में डिस्कस करूँगा वन बाय वन। वेल, इस वीडियो क्यों बना रहा हूँ, बिकॉज मेरे वन टू वन सेशन में बहुत सारे बच्चे आते हैं। उनमें से कई बच्चों ने मेरे को बोला, सर एक बार फूड टेक्नोलॉजी के बारे में बताना। और उनमें से कभी बच्चे को कुछ कुछ बच्चे बोलते हैं, सर डेयरी टेक्नोलॉजी का भी बताओ। तो हम क्या करेंगे, इससे कंपेरिजन कर देंगे थोड़ा सा, दोनों का डिफरेंस क्या है, क्यों इसको इससे कंपेयर कर रहा हूँ, आपको पता लगेगा इसी वीडियो में। और प्लस सरकारी नौकरी कोई ऑप्शन है भी या फिर नहीं है, इसके बारे में बात करेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, उसका लिंक कहाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ज्वाइन जरूर करना है। और वन टू वन सेशन में ना चाहते हो फ्यूचर गाइडेंस, करियर गाइडेंस, लाइफ गाइडेंस, एक सेशन लाखों रुपया बच सकता है, काफ़ी टाइम बच सकता है, काफ़ी अच्छा आपको एक रोड मैप मिल सकता है आपको, जो आपको अच्छा फ्यूचर के लिए एक फाउंडेशन होगा, एक सही फाउंडेशन होगा। और सही बताऊं तो क्या स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगा, राइट। तो आपका लिंक कहाँ है उसका, जो काउंसलिंग सेशन का लिंक फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेयरी टेक्नोलॉजी, जो हमारा फूड टेक्नोलॉजी है, इसका फ्यूचर स्कोप क्या है, इंडिया में क्या नौकरी लग जाएगा। देखो ये ऐसा ब्रांच है जो हर कॉलेज में मिलता नहीं है। इंडिया में लगभग 3500 कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज मिला के हैं जो बीटेक के कोर्सेज ऑफर करते हैं, बट मैक्सिमम जगह पर क्या है, खाली सीएससी वही है, बाकी है भी तो नेग्लिजिबल है। फूड टेक्नोलॉजी आप रियली देखेंगे 200 कॉलेज में होगा। तो अगर जॉब के हिसाब से देखोगे, कॉलेज अगर अच्छा मिलता है जॉब हो जाता है, जॉब मिल जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या आता है इस चीज़ में, मैं आपको समझाता हूँ इसी वीडियो में, बताऊँगा उसके बारे में। बट एवरेज कोई मेरे को बोलता है, सर मैं नौकरी लग जाएगा, पैसे कितना मिलेगा बताओ, क्या मेरा ग्रोथ होता रहेगा, तो बढ़िया है, हो जाएगा, ले सकते हो आप, जॉब लग जाता है। मैं ऐसे बंदे से मिला जिनका 10 साल एक्सपीरियंस था फूड टेक में। जब मेरा पहला जॉब था, जो मेरे कलीग थी उनके हस्बैंड थे फूड टेक में, उसी शहर में एक बड़े कंपनी में, जो जिसका बिस्किट आप खाते हैं, नाम नहीं बताऊंगा। तो उनसे बात करने का एक बार मेरे को मौका मिला, उनसे बात किया तो मेरे को पता लगा उस इंडस्ट्री में, अच्छा इंडस्ट्री में हाईली स्किल्ड बंदे नहीं हैं, मार्केट में इस चीज़ का गैप है फूड टेक में। अभी भी इस फील्ड का सबसे ज़्यादा बड़ा फ्यूचर स्कोप मेरे को जो लगता है, कोई अगर बिजनेस माइंड सेट के साथ जाता है या फिर है भी, अगर आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इंडिया बहुत बड़ा कंट्री, 140 करोड़ लोग रहते हैं, अगर आप 10 करोड़ लोगों को भी मार्केट पकड़ लेते हो, कोई भी चीज़ है ना आप बेच रहे हैं, अगर 10 करोड़ लोग छोड़ो 10 लाख लोग भी आपका कस्टमर बन जाते हैं, रिकरिंग कस्टमर होता है फूड में। फूड एक बार खा लिया तो पेट में ज़िंदगी भर नहीं रहता है, निकल जाता है कल भाई, एक 24 घंटे 48 घंटे में निकल गया, कभी कभी 10 घंटे में निकल जाता है, पेट खराब है तो 5-2 घंटे में निकल जाएगा, बाकी फिर से लेना पड़ेगा, मतलब रिकरिंग कस्टमर बनता है। तो 10 लाख भी कस्टमर आपने बना लिया, महीने का 10 लाख आराम से कमा सकते हो आप, साल कितना हो गया 1 करोड़ प्लस। सिंपल आइडिया आपको दे रहा हूँ जिससे आप बिजनेस बना सकते हो। क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, सर आप आइडिया दे रहे हो, आपने किया ये सब काम, आ सकता है भाई, उसी पर काम चल रहा है अभी, बिकॉज हर बिजनेस का ना एक स्टैग्नेशन पॉइंट आता है। तो YouTube का जितना मैं कर सकता मैं एक स्टैग्नेशन पॉइंट पे आ चुका हूँ, मैं देख रहा हूँ भाई इससे ज़्यादा ग्रोथ तो बड़ा मुश्किल है इस फील्ड में, फिलहाल जो कंपटीशन है या फिर फिलहाल जो है। तो जो मेरे को पोजीशन प्राप्त करना था मैं प्राप्त कर चुका हूँ, एक साल पहले बोलोगे तो भी खराब नहीं होगा। तो मेरे को मेरा जो टाइम है मैं दूसरे बिजनेसेस में भी दे रहा हूँ अभी, जो मेरा एक्स्ट्रा टाइम है, ताकि उस चीज़ का भी मैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसका मैं बेनिफिट उठा सकूं। और खाली मैं तो फ़ायदा नहीं करूंगा, बहुत सारे जो हमारे प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं उनको फ़ायदा मिल रहा है, बहुत सारे लोग उससे रोज़गार मिल रहा है, विन टू वन विन सिचुएशन, डेफिनेटली मुझे ही फ़ायदा मिल रहा है, जो मेहनत करता है उसको तो फ़ायदा होगा ही, ठीक है। एक बात समझ लो आप, ज़िंदगी में एक चीज़ ज़रूर सीख लेना, क्या, मेहनत करना। ये सीख लिया आपने, भूखा कभी नहीं रहोगे। क्या ये डिफ़िकल्ट है कोर्स? नहीं भाई, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। हालांकि मैं जब आपको सिलेबस बताऊंगा इसी वीडियो में, पूरा 4 साल का क्या क्या सिलेबस रहेगा आपको पता लग जाएगा, जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स हैं वो भी आपको बता दूंगा मैं, डोंट वरी रिगार्डिंग दैट। क्या एवरेज बच्चा इस तरह कोर्स कर सकता है? भाई देखो बीटेक है, थोड़ा डिफ़िकल्ट कोर्स है, ये सच्चाई है, बट ऐसा नहीं एवरेज बच्चा नहीं कर सकता। मैं बिलो एवरेज बच्चा हूँ, 56% भी नंबर नहीं आया था प्लस टू में, बट ये वन साइड है, ये बोल के आप खाली मोटिवेट नहीं करोगे, उधर मेहनत भी किया भाई,
बीटेक में 6 बार टॉप किया है लगातार। किसी भी बीटेक वाला बच्चा को पूछना 6 बार टॉप किया किसी भी कॉलेज से पढ़ता हो, तो इंपॉर्टेंट क्या है? कंसिस्टेंसी। अभी भी कंसिस्टेंटली काम कर रहा हूं मैं, है ना। एक बच्चा मेरे को पूछता है, 1-to-1 सेशन में आया था बच्चा, बोले सर अभी तो आपको मेरे को लगता नहीं काम करने की जरूरत है, पैसे इतने यूट्यूब से भी आते होंगे। तो बोला हाँ सच बात है, यूट्यूब से बहुत अच्छे पैसे आते हैं हमारे पास, तो काम क्यों करते हैं भाई? जो हमने नॉलेज लिया उसको अगर घिसेंगे नहीं तो वो कीड़ा लग जाएगा, नॉलेज खत्म हो जाएगा, ऑब्सोलेट हो जाएगा। मैं पिछले 3 मंथ्स में कम से कम 1000 बच्चों के से बात किया हूँ, 1000 बच्चे प्लस पेरेंट्स मिला के, 1000। तो 1000 स्टोरीज मेरे को सुनने को मिला, तो 1000 से कम 200 स्टोरीज और 200 लेसन्स तो मेरे दिमाग में आ गए ना, जो फिलहाल चल रहा है। और ये जो वीडियोस बनाता हूँ उन्हीं स्टोरीज का जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आपके साथ शेयर करता हूँ। हर साल 1000, 1500, 2000 मेरे पास स्टोरीज आते हैं। स्टोरीज मतलब क्या है? जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है वो आते हैं, जो आपको हेल्प करता हूँ, जिसके जरिए आपको एक्सपीरियंसेस देता हूँ, तो इधर आपको चीज़ मिलता है। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया? अभी ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन लिंक है। नेक्स्ट, ये तो नहीं है भाई गलत, जो मतलब इस चीज़ को जो ये करा है गलत कर दिया। यहाँ पर क्या, लाइफ ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इंजीनियर इन इंडिया, जो 10 साल एक्सपीरियंस वाले बंदे थे और उनसे मिला था मैं कब, काफ़ी साल पहले, अभी नहीं, रिसेंटली मिला हूँ फूड टेक वालों से, बट 10 साल एक्सपीरियंस वाला नहीं, 2-4 साल, 5-6 साल एक्सपीरियंस वाले मेरे पास आए हैं 1-to-1 सेशन में। सो 10 ईयर्स एक्सपीरियंस जिनका था, ये कब उनसे मिला था? लगभग 8-10 साल पहले मिला था उनसे, ठीक है। उस टाइम 10 साल उनके पास एक्सपीरियंस था, तो उस टाइम उनका सैलरी था, उन्होंने बताना था कि आप इस फील्ड में पैसे कमाना चाहते हो तो भाई ये छोटे मोटे कंपनी आपका पैसा बनेगा नहीं, वही 20-25 हज़ार सैलरी बनेगा। आपको जाना होगा जो FMCG कंपनी है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जैसे पतंजलि है, उसके बाद आपका PNG है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, ऐसे कंपनीज जो हैं, बड़े कंपनीज जो हैं उनमें जाइए, और भी एक्सपीरियंस के बाद आपको पैसा मिलता है। ये एक जरिया है अगर आप छोटे कॉलेज से पढ़ रहे हैं, मतलब Tier 3 कॉलेज से। तो स्टार्टिंग सैलरी बताऊँ कितना मिलेगा, अगर आपको बड़े कॉलेज से पढ़ रहे हो तो प्लेसमेंट हो जाता है। प्रॉब्लम क्या होता है आपको बताता हूँ, अब प्रॉब्लम की बात करते हैं। एक तो फायदा, प्रॉब्लम क्या, अगर आप इसको कंपेयर कर देंगे CSE फील्ड के साथ, अगर नौकरी लग गया बढ़िया जगह तो, ECE के साथ और कुछ इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ, तो इसका ग्रोथ जो है ना इनसे कंपेरिजन में कम है, हाफ बोलूंगा तब भी ठीक होगा, स्पेशली ये दो फील्ड के साथ, समझ रहे हैं, फ्यूचर ग्रोथ। तो अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं अभी का मत देखो, 10 साल 20 साल 30 साल का देखो कि 30 साल मैं अपना रिटायरमेंट करूंगा, 30 साल बाद मैं कहाँ पहुंचूंगा। सो 30 साल का सोच के काम करना है। अभी अगर आप सोचेंगे मेरे को आसान मिल जाएगा तो भैया फंसोगे, बता रहा हूँ। मेरे पास कई आते हैं आसान के चक्कर में, बोलते हैं सर हम फंस गए थे, कई आते हैं मेरे पास और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, किसी बच्चे ने मान लो कि 10th में लाया 95%, कोई बोल दिया चल भाई सबसे आसान लेता हूँ, बहुत मेहनत कर लिया, लेकिन उसको पता नहीं मेहनत तो भी कुछ नहीं किया यार, आगे देखो लाइफ में कितना मेहनत करना पड़ता है। मेहनत से मत डरो मेरे भाई, मेहनत से डर क्यों लगता है? बिकॉज आपके जिंदगी में कोई मिशन और विजन नहीं है। मिशन और विजन रखिए, मेहनत से डर नहीं लगेगा। मेरे को भी डर लगता था यार छोटे में, ऐसा नहीं कि मैं कोई महात्मा हूँ ऐसा ना, अब डर क्यों लगता है? बिकॉज मिशन और विजन है, कुछ करना है यार, भगवान ने काबिल बनाया है, अब इस काबिल जो काबिल बनाए हैं उसका यूज़ तो करेंगे कहीं ना कहीं। अब यूज़ करने के लिए क्या मतलब, फ्री में तो यूज़ नहीं होता है, मेहनत करना पड़ता है, एफर्ट डालना पड़ता है। ये वीडियोस हम रात को 2-2 बजे शूट करते हैं, सच पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं, बिकॉज दिन भर पैक रहते हैं काम से। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई मेरे, अच्छा आज दिन में शूट कर रहा हूँ, रात को शूट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, सो फूड टेक्नोलॉजी इंजीनियर का ऐसे अगर कोई देखेगा ठीक है, बहुत ख़राब नहीं है। मैकेनिकल का, मैकेनिकल से कंपेरिजन करेंगे तो क्या रहेगा, मैकेनिकल बेटर है। क्यों बेटर है आपको पता लगेगा थोड़ी देर में। अच्छा, इज इट वाइज टू टेक दिस कोर्स? वेल देखिए, मैं तो इतना ज़्यादा आपको रिकमेंड नहीं करूँगा इस कोर्स में जाने के लिए, अनटिल अनलेस यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन बिजनेस। बिजनेस में इंटरेस्ट है, फूड टेक कोई कंपनी खोलने का सोच रहे हैं, चाहे अचार कंपनी क्यों ना हो बट बड़ा से बड़ा नामी, तो भाई आप जा सकते हैं, इसमें इतना पैसा है आप सोच भी नहीं सकते हो। एक बार आप जाना, फ्लिपकार्ट पर जाना कभी या अमेजन पर जाना, उसमें देखना नीम का पत्ता वो बिकता है, वो एक हमारे गांव तो ना घिसने वाला शरीर में, जैसे आजकल क्या ना वो प्लास्टिक घिसते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, एक क्या उसको बोलते हैं, तोरी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा मेरे को,
एक लंबा सा होता है वो, क्या गॉड फैमिली का है, बिटर गॉड नहीं है, लंबा सा होता है, उसका जो छिलका है उससे हम गांव तरफ भेजते हैं, वो बिकता है नेट ठीक है, समझ रहे हो, मतलब मैल निकालने के लिए शरीर से। आपको बता रहा हूँ क्या क्या बिकता है नेट पर। गोबर, काव डंग का जो सूखा हुआ होता है ना केक, वो भी बिकता है, देखना कभी जाके। ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी है अगर आपके पास एबिलिटी है तो। एक बार मैं देख रहा था ये जो शॉर्ट्स बनता है ना, हम नीचे पहनते हैं शॉर्ट्स, पसंद करते हैं सारे, मैं भी पसंद करता हूँ, अगर अच्छे से अच्छे कपड़ा लगाए तो बनेगा 100 रुपये में सिलाई के साथ। बिकता कितना है जो ठीक ब्रांड है, 500 रुपया का। मार्जिन कितना है, 5% GST लगता है सिर्फ कपड़े पर। कितना परसेंट मार्जिन हो गया बताओ, सच पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग यू। तो बिजनेस में बहुत ज़्यादा पावर है, लेकिन वन सेकेंड मैं आपको बता देता हूँ, बिजनेस सब नहीं करना चाहते ना, सब करेंगे तो काम नहीं चलेगा, बट अगर आप बिजनेस माइंडेड हैं तो बिजनेस जरूर करना, ये नौकरी चक्कर है मत पड़ना, कहाँ आया या छोटे छोटे चक्कर में रह जाओगे आप। मैंने अपने लाइफ में इस चीज़ का रिस्क लिया था जब मेरा RRB ALP क्रैक हुआ था 2014 में, RRB ASM क्रैक हुआ था 2016 में, तब मैंने बोला नहीं भैया ये नहीं करना है। अरे वो छोड़ो यार, 2016 में मेरा 70,000 का, 17 18 में 70,000 का ऑफर था मेरे पास, 2022 में मेरे पास नाम कितना है नहीं बताऊंगा, उतने का ऑफर था, बस लोगों का ड्रीम जॉब होता है, मैं गया नहीं, मतलब खतरनाक ऑफर था यार बताऊँ तो। 2 साल जाता तो शायद मेरा बैंक बैलेंस काफ़ी अच्छा होता, बट वट आफ्टर दैट, अभी जो लाइफ जी रहा हूँ वो मिलता नहीं मेरे को, अभी जो मेरे पास है वो मिलता नहीं सच में, अभी जो मैं लगा पा रहा हूँ अपने एनर्जी को मिलता नहीं, वहीं जाना पड़ता, तो मेरा फायदा कोई मतलब। देखो ऐसा नहीं कि भाई जॉब से अच्छा लाइफ जी नहीं सकते, जीते हो, मेरे फैमिली मेंबर्स में बहुत सारे हैं जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, बट सबका अलग मोटो है लाइफ का ना, तो आपका मोटो क्या आपको देखना पड़ेगा, कोई बता नहीं देगा आपको। हाँ वन टू वन में जो आता है उसको मैं हेल्प कर सकता हूँ, उसके बातों को सुन के, उसका चीज़ों को सुन के मैं फिगर आउट कर सकता हूँ, इज बिजनेस फॉर यू आई कैन टेल यू ठीक है। अच्छा उसी के बारे में बात करते हैं, चलिए जब बात हो ही गई है कि वन टू वन सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या खास दे रहा हूँ भाई मैं ऐसा जो बाकी कोई दे नहीं पा रहा है, क्या इंपॉर्टेंट, क्यों भाई क्यों आप आ गए मेरे सेशन में, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, व्हाई इट कैन सेव, इट कैन हेल्प यू सेव फ्यू लैक्स रुपीज, इट कैन हेल्प यू सेव टू सेव फ्यू ईयर्स ऑफ योर टाइम, व्हाई लेट मी टेल यू माई डियर। 15 ईयर्स, 12 साल मेरे पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, 2004 से मैं हर फील्ड को देख रहा हूँ, 20 साल हो गया जब मैं 10th पास किया था, ऐसा क्यों देख रहा हूँ भाई, मेरे घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, मेरे पापा खेती करते हैं, मम्मी 10th पे ही पास नहीं है, बट मेरे मम्मी, मेरे 10th पास होने से क्या होता है, मम्मी मेरे को गाइड किए छोटे में, क्लास 7th का टॉप किया था, मम्मी पढ़ाई थी भाई ठीक है, उसके बाद एक मतलब सेटबैक लगता है, समझ रहे हो। तो क्या करना है, आप वन टू वन सन में आइए, 12 साल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, ऐसे 20 साल हो गया लगभग एक्सपीरियंस, 2012 में पास आउट किया था बीटेक, एमटेक भी किया है, हजारों लोगों का काउंसलिंग कर चुका हूँ, इंक्लूडिंग 0 एक्सपीरियंस, वर्स्ट टू वर्स्ट केस जो फेल हो जाते हैं उससे लेके 25-20 साल एक्सपीरियंस तक का, इंक्लूडिंग नॉर्मल कॉलेज से लेके IIT तक का, सब बच्चों का काउंसलिंग कर चुका हूँ, इस तरह का बच्चे का, बाकी बीच में ले लो आप ठीक है। सो एक्सपीरियंस जो है ना बहुत ज़्यादा मैटर करता है इस फील्ड में, तो इसलिए वन टू वन में आओगे तो आपको बता सकता हूं आप क्या करोगे तो बेटर होगा। बहुत सारे बच्चों का 100% 200% इंप्रूवमेंट होता है जस्ट फॉर वन सेशन, बिकॉज वो गलत डायरेक्शन में जा रहे थे, सही डायरेक्शन मिल जाता है, बट मैं इतना आपको गारंटी दूंगा नहीं, 10-20-30% डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगा अच्छा लाइफ जीने के लिए, 30% मैटर करता है, ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, समझो आप 60% नंबर आ रहा था, एक सेशन से आपका कितना हो जाएगा, 72% हो जाएगा, 20% इसको बोलते हैं, या फिर 78% हो जाएगा, 30% इसको बोलते हैं, आप समझ पा रहे हैं। मान लो 80% आ रहा था, एक सेशन से आपका हो जाएगा 88%, 1% मतलब 10% बढ़ गया आपका, समझ पा रहे हैं आप क्या बोल रहा हूँ मैं। सो इसका लिंक कहाँ है, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, ज्वाइन करिए, अभी ऑफर प्राइस पे थोड़ा बढ़ेगा प्राइस, बिकॉज इसमें हम क्या करते हैं, आपको ये 10 कोर्सेस फ्री में देते हैं। आप यहाँ पर देखिए, एक एक कोर्स अगर मार्केट में जाओगे भाई साहब, few thousand rupees लेगा कम से कम, अगर उसके पास थोड़ा एक्सपीरियंस होगा, और 12-15 साल एक्सपीरियंस वाला बंदा तो क्या बताऊँ आपको, पता ही है कितना होता है ठीक है। तो ये 3 चीज़ पर ध्यान देना, बाकी चीज़ तो मेरा एक्सपीरियंस बेस्ड है जो हमारे किताब में है नहीं। सी
C++, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। मैंने ही पढ़ाया भाई, जो कंपनीज में काम कर रहे हैं बीटेक एमटेक कर चुके हैं उन्होंने पढ़ाया है, दो अलग अलग मैडम ने पढ़ाया है, तो मज़ा आ जाएगा। एक में क्विज़ है। अच्छा ये बोलोगे सर यूट्यूब पे फ्री मिलता है? नहीं, यूट्यूब वाला नहीं है ये। इसमें हर चैप्टर के बाद असाइनमेंट है, लास्ट में क्या है आपका प्रोजेक्ट भी है। C++ में गेम डेवलप करना हमने सिखा रखा है, तो यूट्यूब वाला नहीं है, क्विज़ भी इसमें है, मज़ा आ जाएगा आपको जाके। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। टुडे आई एम टीचर बिकॉज ऑफ दिस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। वेल पूरा आपको समझ में नहीं आया होगा, समझाता हूँ। सो जब एक बच्चे का 55.8% आता है, मतलब 56% लगा लो आता है, तो बच्चा क्या होगा, बिलो से बिलो एवरेज होगा। आई वॉज लाइक दैट ओनली, बट एक चीज़ मेरे अंदर था, मेहनत करना है। क्लास 10 तक बहुत एक्सपीरियंस लिया मेरे पापा, मेरे दादाजी, मम्मी, उनके वजह से, और बाकी मेंबर्स जो उनके वजह से, जो मेरे को काफ़ी हेल्प करा अपने लाइफ में काफ़ी कुछ करने के लिए। टुडे जो कर रहा हूँ उसी के बदौलत है, वो फाउंडेशन था। तो एक प्रॉब्लम था मेरा, मार्क्स आते नहीं थे, पढ़ता था मार्क्स आता नहीं था। तो उसके पीछे दो बड़ा रीज़न था इनिशियली, एक था पढ़ना कैसे है पता नहीं था, और दूसरा क्या था कैसे लिखना है पता नहीं था। ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है माय डियर, इफ यू वांटेड टू गेट वेरी गुड स्कोर माय डियर देन यू मस्ट नो हाउ टू राइट ऑन द आंसर शीट। इफ यू डोंट नो माय डियर, इट वुड बी लाइक नाइटमेयर फॉर यू इन कॉलेज, यू विल स्ट्रगल इन कॉलेज इफ यू डोंट नो हाउ टू राइट ऑन द आंसर शीट, बिकॉज वट एवर यू हैव स्टडीड सो फार, जस्ट कीप सच ऑल थिंग्स वट एवर स्टडीड एसाइड, बिकॉज नाउ इट इज टोटली डिफरेंट। Pattern, question, way of writing should be different than school, whatever you have done so far. Alright? So, ये चीज़ मैंने सीख लिया बहुत quickly, just after first year of engineering, and then miracle हुआ, 6 times, from 3rd semester to 8th semester, always topper, in branch, as well as I top in college, जहाँ पर CSE के बच्चे होते हैं। मेरा जो सेकेंड टॉपर था ना कॉलेज का, उसका मार्क्स मेरे से 50 नंबर कम थे। मेरे यूनिवर्सिटी में 10,000 बीटेक बच्चे लगभग पढ़े थे उस टाइम, और मेरा 6th rank था आउट ऑफ ऑल द ब्रांचेस, समझ रहे हो। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट माय डियर, टुडे राइट नाउ वी कैनॉट टेल आई कैनॉट स्पीक इंग्लिश, यू शुड नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, इट इज नाउ मैंडेटरी इनफ, यू शुड हैव गुड कमांड, you should have good fluency, you should have good vocabulary, you should have good knowledge about fundamental, so that whenever you will speak in English, nobody is going to figure out where you are making silly mistake. समझ रहे हैं? So ये foundation को आपका develop करता है, fundamental को develop करता है, और याद करने के लिए हमने यहाँ पर 36 quizzes दे रखा है, 36 quizzes। अच्छा बोलने का 36 लोग बोलते हैं ऐसा नहीं है, 36 quizzes देखोगे, level 1, level 2, level 3 करके 36 quizzes यहाँ पर है। एज वेल एज यहाँ पर क्या है, दो सेक्शन है, रीडिंग का सेक्शन एक है, राइटिंग का सेक्शन है, मिसलेनियस टेंस सेक्शन है, उसके बाद एक्सेप्शनल सीक्रेट्स भी कुछ मैं यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ आपके साथ, समझ रहे। और लेट मी टेल यू माय डियर, इस कोर्स में मेरे पास बात करके काफ़ी NITians, IITians भी एनरोल कर रहे हैं, बिकॉज यू आर नॉट अलोन माय डियर हु इज फेसिंग द सेम प्रॉब्लम, सो मेनी स्टूडेंट्स आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम, इवन IITians और NITians इसमें एनरोल कर चुके हैं भाई। मेरे पास 1-to-1 में एक बच्चा आया था, एक NIT से आया था, बोला सर सब कुछ सही है, बस मुझे ये कोर्स सही है आपका, और आपसे बात करना था, इसलिए आया 1-to-1 में, बहुत सारे फ्री कोर्सेज मिल जाएंगे, तो इसमें एनरोल जरूर करिएगा। इसको सेपरेटली भी एनरोल किया जा सकता है, इसका प्राइस है 499 rupees, डिस्क्रिप्शन लिंक है इसी वीडियो के, कुछ कूपन कोड मिल जाएगा उसका यूज़ कर लेना, थोड़ा सा पैसे बच जाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा गया 20% के आसपास पैसे बच जाएंगे भाई आपका। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, डेयरी टेक्नोलॉजी से क्या कंपैरिजन है, इसकी बात करते हैं भाई। देखो डेयरी टेक्नोलॉजी जो है ये भी फूड से रिलेटेड ही क्या है, ब्रांच है, बट डेयरी टेक्नोलॉजी क्या है, फूड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। डेयरी टेक्नोलॉजी में खाली डेयरी प्रोडक्ट्स से रिलेटेड हम क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, इसमें नौकरी लग जाएगा। प्रॉब्लम जो बताया वो सेम प्रॉब्लम इसके साथ है। सो अब बोलोगे सर डेयरी टेक्नोलॉजी मिल रहा है मेरे को, फूड टेक्नोलॉजी मिल रहा है, क्या लो, फूड टेक्नोलॉजी वाइड है तो फूड टेक्नोलॉजी लेना चाहिए, फूड टेक्नोलॉजी के अंदर डेयरी टेक्नोलॉजी आ जाएगा आपका, समझ पा रहे। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब्स अपॉर्चुनिटीज, क्या इसमें कुछ है भाई, नेग्लिजिबल
टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब्स अपॉर्चुनिटी है। एक साल में हार्डली आपको 100 या 200 वैकेंसी मिलेगा, मैक्सिमम ऐसा मिलेगा, आपको बताता हूँ मैं। कभी कभी ऐसा भी ईयर आएगा कोई वैकेंसी नहीं निकलेगा इस ब्रांच से रिलेटेड टेक्निकल फील्ड में। नॉन टेक में आप क्या दे सकते? अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ है, यूपीएससी ईएससी दे सकते हो, बट कैसे करोगे यार? उधर आपका ब्रांच रिलेटेड कुछ भी नहीं है, चार ही ब्रांच से दे सकते हैं आप, क्या है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, बस। तो कहाँ से करोगे यार, पॉसिबल नहीं है। तो आपके पास अगर सरकारी नौकरी का ऑप्शन बनता भी है, सिर्फ नॉन टेक जॉब्स, सिर्फ नॉन टेक जॉब्स और कोई नहीं। नॉन टेक जॉब्स में क्या क्या आ गया आपका? यूपीएससी सीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, ठीक है, पहला। दूसरा क्या आ गया? एसएससी सीजीएल, एसएससी रिलेटेड बाकी सारे और एग्जाम्स। रेलवे में क्या आ गया आपका? आरआरबी एनटीपीसी। नॉन टेक वाले होंगे भाई, टेक वाले एलिजिबल ही नहीं है। आरआरबी एनटीपीसी आप एलिजिबल हो जाते हो, इसी को मैंने पास किया था 2016 में, सीबीटी 1 वाला, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? स्टेट पीएससी, ये भाई आपका आ गया। ये सब एग्जाम्स आप दे पाएंगे, बैंक एग्जाम्स दे पाएंगे आप, बैंक एग्जाम्स दे पाएंगे, ये सब एग्जाम्स आप लिख सकते हैं बस, और कुछ नहीं भैया, एग्जाम लिख पाओगे। सो अब बोलोगे सर क्या पॉसिबल है क्रैक करना? देखो, अगर नॉन टेक में जाना है किसी ब्रांच के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, उधर क्या चाहिए? एनी ग्रेजुएट चाहिए और कुछ नहीं, एनी ग्रेजुएट, दैट्स इट। नेक्स्ट, प्राइवेट जॉब्स में क्या अपॉर्चुनिटीज है? देखो, प्राइवेट कंपनीज हैं फूड टेक में, जॉब लग जाएगा अगर ठीक कॉलेज से पढ़ रहे हो, बट प्रॉब्लम क्या आएगा बता चुका हूँ, ग्रोथ का प्रॉब्लम थोड़ा आता है प्राइवेट जॉब्स में, इस तरह का फील्ड में जहाँ पर प्रोडक्ट ही सब कुछ है आपका, ठीक है ना। 4 ईयर्स में क्या पढ़ाई होगा इसके बारे में अपन बात करते हैं। 4 ईयर्स में पढ़ाई की बात करेंगे तो कहाँ गया यार 4 ईयर्स की पढ़ाई। सो 4 साल में हम क्या पढ़ने वाले हैं उसकी बात कर लेते हैं। 4 साल में हम पढ़ाई करने वाले हैं, ये कौन सा है भाई साहब? हमारा अन्ना यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, तो चलते हैं। वर्टिकल कहाँ गया? वर्टिकल 10, हाँ ये देखो, ये सेमेस्टर 1 है जिसमें इंग्लिश होता है, मैट्रिक्स कैलकुलस होता है, इंजीनियरिंग फिजिक्स केमिस्ट्री, प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग पाइथन, ये आपका, फिर हेरिटेज ऑफ तमिल से पढ़ेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, फिर लैब होता है सेकंड में, पढ़ेंगे आप प्रोफेसर इंग्लिश 2। इंग्लिश वाला कोर्स बाय कर लेना, बहुत हेल्प करेगा, नहीं तो अदरवाइज वहाँ पर जाके अटक जाओगे, फिर लोग मजाक बनाएंगे, बिकॉज मजाक बनना सबके, आपको पता ही है, सोशल मीडिया में भी गलत कर दूँ, मान लो मैं यहाँ पर लिख दूँ एक बात ना, गलती से कभी गलती अपने से गलती हो जाता है, सबसे होता है गलती, बिकॉज इतने काम करते हैं फिर माइंड फंक्शन नहीं कर पाता, ऊपर से इतने लाइट होता है। मैं यहाँ पर लिख दूँ 1+1=2, 2+3=4 कर दूँ और ये छोड़ दूँ, अभी बहुत से बोलेंगे इसको आता नहीं, एडिशन ही नहीं आता है। नहीं भाई, इधर 5 ही होता है, पर गलती से कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो गलती आपने कर दिया, गलती से भी लोग हंसते हैं, लेकिन अपने गलती बाय मिस्टेक किया या फिर ऐसे ही हो गया तो बुरा नहीं लगता है, बट ऑलरेडी आपको नहीं पता है तो अंदर से बहुत बुरा लगता है। तो इंग्लिश सीख के जाना, बहुत काम का चीज़ है, आपको बता देता हूँ, लिंक में डाल दे डिस्क्रिप्शन में। ये सेकंड सेमेस्टर आप पढ़ते हैं, थर्ड पढ़ते हैं ये वाला चीज़, फ्लूइड मैकेनिक्स, मैकेनिकल ऑपरेशन, फूड केमिस्ट्री, फूड माइक्रोबायोलॉजी, ये वाला मैकेनिकल वाले बच्चे ही पढ़ते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड, और सिविल वाले बच्चे ही पढ़ते हैं, कुछ कुछ शायद केमिकल ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? एनवायरमेंटल साइंस आता है, फूड एडिटिव्स एंड फ्लेवर्स, हीट ट्रांसफर, हीट मास ट्रांसफर, ये भी मैकेनिकल ले पढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैकेनिकल ले पढ़ते हैं, फूड प्रोसेसिंग, फूड एनालिसिस, बाकी इलेक्टिव कोर्सेस। 6th में पढ़ते हैं फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग, और बाकी हमारे पास इस तरह का कौन कौन से मैं दिखा दूंगा आपको। फिर रेफ्रिजरेशन एंड कोल्ड चेन मैनेजमेंट, इसका मेरे तो भाई रिसर्च, इसमें एमटेक किया मैंने। फूड प्लांट इक्विपमेंट डिज़ाइन, ह्यूमन वैल्यूज एथिक्स, उसके बाद आपके पास इलेक्टिव है, ये प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप हो जाएगा, एक सेमेस्टर या तो 7th में करो या फिर 8th में करो, पूरा सेमेस्टर, उसके बेस पर मार्क्स मिलते हैं, क्रेडिट बेस्ड है मेरे हिसाब से, यहाँ पर 10 क्रेडिट मिलता है यहाँ पर। और उसके बाद क्या है, लास्ट सेमेस्टर है एक मैनेजमेंट, अच्छा ये यहाँ पर आ गया, 7th में कहाँ है, 7th, ये वाला 7th था शायद, हाँ 7th है, ठीक। अब हमारे पास क्या है, कोर्स इलेक्टिव, देखिए मैनेजमेंट कोर्सेज में ये करवाया जाएगा आपको, बहुत आसान है, बस अच्छे स्कोर नहीं आते इन जनरल। इसके मैंडेटरी कोर्सेस ये आ गया, फिर मैंडेटरी कोर्सेज ये सारे आ गए,
फिर हमारे पास वर्टिकल के अकॉर्डिंग क्या है ना, वो आपको सब्जेक्ट चूज करेंगे जो भी आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए प्रोफेशनल इलेक्टिव कोर्सेज, ये वर्टिकल के हिसाब से सिलेक्ट करके आपको पढ़ाएंगे। ये आपका मेरे हिसाब से इसके आगे भी होगा यहाँ तक, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे उसके लिए वेट करते हैं मुझे पता है। तो वो क्या है भाई साहब, वो है हमारा सर प्लेसमेंट और एवरेज सैलरी कितना होगा। भाई ये डिपेंड करेगा कौन से कॉलेज से पढ़ रहे हो। आईआईटी वाईआईटी से पढ़ रहे हो 10 लाख लगा लो, एनआईटी से पढ़ रहे हो 6-7 लाख 8 लाख लगा लो। और हायर स्टडीज़ की बात करेंगे तो भाई एमटेक नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, एमबीए करना चाहिए, तो आपको फ़ायदा करेगा। एमबीए करने के लिए क्या करिए, आप सेकेंड ईयर से प्रिपरेशन चालू कर दो कैट का। अब बोलोगे सर कोचिंग लें क्या, ऑनलाइन कोचिंग लेना इतना फ़ायदेमंद होता नहीं इन जनरल, ऑफलाइन कोचिंग ले लेना। या फिर ऑफलाइन कोचिंग का अगर बात नहीं बन पा रहा है, पैसे नहीं है या फिर दूर है कोचिंग, आप कहीं और जगह पढ़ रहे हो, तो भाई सेल्फ स्टडी कर लेना। ये ऑनलाइन कोचिंग मतलब क्या, सेल्फ स्टडी है। यूट्यूब पर सर्च करोगे सारे टॉपिक्स आ जाएगा। बट अगर थोड़ा सा अगर सस्ता ही मिल जाता है, मान लो 500 मिल गया कहीं, है ना, आप सही है पढ़ा रहे हो वहाँ पर, रिकॉर्डेड कोर्स मिल रहा है, रिकॉर्डेड कोर्स लेना। ये लाइव कोर्स में टीचर्स डांस करते हैं और गाना गाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं यार। ऑफलाइन में मानता हूँ, ऑनलाइन में ये सब करोगे तो बच्चा वही देखेगा और हो गया काम, ठीक है। तो ये भी बेड़ा गर्क हो रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अच्छा ये प्रॉब्लम ज़्यादा क्यों आता है अभी, बिकॉज अभी ना आपका दिमाग में जोर नहीं है कि कुछ करना है मुझे, नहीं तो मेरा क्या होगा। जब दिमाग में प्रेशर पड़ता है तो ऑनलाइन ऑफलाइन सेल्फ स्टडी सब हो जाता है। अभी जो 10th 12th में बच्चे पढ़ते हैं, ये क्या करते हैं ना, 12th में बच्चे पढ़ते हैं, ये कोई भी एक्स वाई रीजन में से ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं, वो भी लाइव। और इनमें से 100 में से लगभग 95% बच्चों का डाउनफॉल ही होता है, ऊपर सिर्फ 2-4-5% बता दिया, वो भी ज़्यादा ही बता दिया। ये रिसेंट डेटा बता रहा हूँ जो मेरे पास इस बार बच्चे आए, मतलब इस लास्ट 2-3 मंथ्स में जो बच्चे आए उनका डेटा बता रहा हूँ आपको मैं। कहानी आपको समझ में आ गई यहाँ पर। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ मैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर अगर मिल जाता है मेरे को, इफ़ आई गेट इट देन आई विल शेयर विथ यू सच डेटा। तो यहाँ पर प्लेसमेंट में चलते हैं। प्लेसमेंट में अगर कहीं ये फूड टेक्नोलॉजी ब्रांच मेरे को मिल जाता है तो आपको मज़ा आ जाएगा। आईआईटी धनबाद में तो यार प्लेसमेंट में मिलेगा नहीं, एनआईटी सूरत देखते हैं इसका प्लेसमेंट में है क्या, फूड टेक ब्रांच है क्या, नहीं फूड टेक ब्रांच नहीं है, ये केमिकल जैसा ही ब्रांचेज हैं। तो फूड टेक ब्रांच इन जनरल मिलता नहीं है, बहुत कम एनआईटीज में शायद फूड टेक होगा, अलग से कॉलेजेस में फूड टेक मिलते हैं। एक जगह शायद देखा था कहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा है, आईआईटी गुवाहाटी में फूड टेक है क्या, देखते हैं। बीटेक में फूड टेक ब्रांच है क्या, मैकेनिकल SPML, ठीक है समझ गया भाई, नहीं फूड टेक नहीं है, बायोटेक्नोलॉजी है, फूड टेक तो नहीं है लगता है। डिज़ाइन मैथमेटिक्स फूड टेक नहीं है भाई, ये केमिकल ही है। तो फूड टेक ब्रांच का जो बताया मैंने, टॉप कॉलेज में फूड टेक देते नहीं, किसी एक NIT या फिर IIT में देखा था मैंने, बट मेरे को याद नहीं आ रहा है, कहीं देखा था मैंने। और प्रोडक्शन है तो फूड टेक का है, ठीक है। चलो जो मैं आपको बताना था लास्ट आपको दिखा देता हूँ, कैट का क्या हिसाब किताब रहता है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। ये गवर्नमेंट जॉब्स वाला है, इसमें मैंने खुद बनाया है लिस्ट को, कैट का देख लीजिए यहाँ पर, ये पूरा लिस्ट है। जुलाई अगस्त में इसका आता है इंजीनियर नोटिफिकेशन। 3 लाख के आसपास बच्चे पेपर देते हैं, हर साल एक बार पेपर होता है, नवंबर दिसंबर पेपर होता है, दिसंबर में इंजीनियर होगा। कोई बच्चा पेपर दे सकता है जो एनी ग्रेजुएट है, कोई एज लिमिट नहीं है इसका। वैकेंसीज अनलिमिटेड है भाई, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। बट IIM में जाना है, IIT में टॉप कॉलेज में जाना है तो 98% लाना पड़ेगा, इंक्लूडिंग यू मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। ये 10th भी देखते हैं, 12th भी देखते हैं, BTech भी देखते हैं, या फिर कोई ग्रेजुएशन करें कितना परसेंटेज था, क्या करें आपने, बहुत कुछ देखते हैं। बिकॉज ये प्लेसमेंट स्कूल है, नाम के बिजनेस स्कूल है। प्लेसमेंट स्कूल में ऐसा क्यों देखते हैं, बिकॉज ऐसे बच्चों को सिलेक्ट करते हैं जिनका हाई से हाई पैकेज में प्लेसमेंट हो जाए, ताकि उनका नाम और बढ़े, इनका ये टारगेट रहता है। इसमें इंटरव्यू होता है, बट डरना मत, इंटरव्यू सबका क्रैक होता है, इंटरव्यू तो ना कोई पकड़ लेगा, जो अपना है उसको बोलो ले लिया कोई बात नहीं, तो आगे हम वो आगे बढ़ जाएगा, आप आगे बढ़ जाना, क्या टेंशन बात है, ठीक है। अगर जिस दिन आप ऐसे एटीट्यूड के साथ बट हम्बली जाओगे तो आपका बहुत सारे इंटरव्यूज क्रैक हो जाएगा। जिस जाओगे मेरे को नौकरी चाहिए, मेरे को एडमिशन लेना है, फिर नहीं होता भैया, मुश्किल होता है, फिर घबरा जाओगे उधर जाके। मेरे एक साथी है, मतलब मेरे साथ था,
उसका एक एग्ज़ाम क्रैक हो गया, मेरा नहीं, मतलब मैं एलिजिबल नहीं था, वो इलेक्ट्रिकल का कंपनी था, वो सरकारी था, अच्छा पोस्ट था, 14-15 लाख, आई थिंक 13 लाख के आसपास उस टाइम CTC था, 2013-14 की बात कर रहा हूँ। वो मेरे को पूछता है, भाई इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, तू तो पढ़ाता है। तो मेरे को इंटरेस्ट नहीं था ये सब जॉब में, तो मैं गया वहाँ पर, उससे मिला कि उस मैंने बात किया उससे, मुझे पता लग गया भाई इसका नहीं होता इंटरव्यू, बस ही भगवान का दिया हुआ है, पता लग जाता है। तो मैं भी फिर भी बोला चलो ट्राई कर लेना, फिर उधर गया, मैं पूछा क्या हुआ, बोला नहीं होता भाई। क्यों नहीं होता? बोला भाई मुँह से आवाज़ ही निकल रहा है, गला अटक गया, पता है क्यों? लैक ऑफ प्रैक्टिस। एक वीडियो बनाया था 4-5 साल पहले, उसने बोला था खाली गेट में अच्छा स्कोर लाना मतलब नहीं जॉब लग जाएगा, वो इसलिए बताया था बिकॉज हमारे साथ काफ़ी लोग काम कर रहे थे, बहुत अच्छे रैंक, मतलब अंडर 300-400 रैंक, अभी भी काम करते हैं, काम कर रहे थे, उसके बेस पर बताया था, क्योंकि इतना अच्छे रैंक में हो जाता है इन जनरल, वो जो उस टाइम जो काम करता उनका हो गया, बाद में सब सेटल हो गया, अब 5 साल में टाइम लगता है सेटलमेंट में, इंस्टेंटली सेटलमेंट नहीं होता है, जिसका प्रॉब्लम होता है टाइम के साथ वो सीखते हैं, हो जाता है फिर। तो इसीलिए क्या है ना, अपना कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना आपको काम आएगा। एप्लीकेशन फ़ीस कितना रहता है? 2400 ऐसे नॉर्मली, बाकी अगर आप 1200 रुपये लगेगा, आप SC कैटेगरी से हैं, ST से, फिजिकली चैलेंज से हैं, तो एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा आपका, ये 3 पार्ट रहता है आपका, ये इंग्लिश रहता है, रीजनिंग रहता है, एप्टीट्यूड रहता है, दैट्स इट। 66 क्वेश्चंस रहते हैं आपका 2 घंटे में। नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क है, 3 मार्क्स क्वेश्चन रहता है ईच। स्ट्रेंथ ऑफ एग्जाम, बेसिक कंसेप्ट, कैलकुलेशन, एक्यूरेसी। कट ऑफ कितना रहता है? ऐसा कोई कट ऑफ नहीं है भाई, अच्छा कॉलेज चाहिए, 90-95% से अबव लाओ, अच्छा कॉलेज मिल सकता है, जहाँ पर प्लेसमेंट होगा, एवरेज पैकेज 10 लाख के आसपास कम से कम। सैलरी कितना मिलेगा? 1 करोड़ एवरेज सैलरी कुछ जगह मतलब होता है, एक कॉलेज में होता है, और 20 लाख से 30 लाख क्या रहता है आपका एवरेज में रहता है, अगर टॉप IIM में जा रहे हो। इंटरव्यू क्या रहता है? रहता है इंटरव्यू सब जगह, बिना इंटरव्यू कुछ नहीं होता है, और इसे डरो मत, ये धीरे धीरे करके आपका हैबिट बन जाएगा। अच्छा आपका दिमाग में होगा, सर कहाँ, सर आप मूर्ख बना दिए, किस बात का मुझे पता है? आप बोलेंगे सर कहाँ 1 करोड़ पैकेज लगता है सर, ये ऐसा थोड़ा होता है 1 करोड़ पैकेज, क्या बेवकूफ़ी बात कर रहे हो। देखो यहाँ पर ये है डोमेस्टिक प्लेसमेंट IIM अहमदाबाद का एवरेज पैकेज कितना है, 34-35 लाख। ये है इंटरनेशनल प्लस प्लेसमेंट किसका, सेम कॉलेज IIM अहमदाबाद का एवरेज पैकेज कितना है, यहाँ पर देखिए 1,28,399 है, 399, ठीक है, 1,28,399 डॉलर्स में है, मल्टीपल कर दो 83-84 के साथ, 1 करोड़ एवरेज पैकेज है। इतना ही था, होपफुली आपको समझ में आया कुछ। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।